ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मेव वंदना मृत्योर मोक्षी यमामृतम। दोस्तों, भगवान शिव कण कण में शंकर बसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त विश्वास उपाध्याय। आज हम एक नई जगह आए हैं। अगर आज हम बात करें तो दरियावद के जंगलों में बसा हुआ भगवान शिव का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, जिसे काशीनाथ या केदारनाथ कहा जाता है, आज हम उस मंदिर पर आए हैं। इस मंदिर की प्राचीन बहुत ही विशेषता है, बहुत ही भव्य मंदिर माना गया है। सबसे पहले तो आप सभी को देवजुलनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवजुलनी एकादशी है और इस पवित्र दिन के समय हम यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस मंदिर का पौराणिक महत्व। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यह मंदिर काफी बहुत ही पुराना है और यहाँ के पंडितों और यहाँ की किंवदंतियों के अनुसार हमें जो जानकारी मिलती है, तो उस जानकारी के अनुसार यहाँ पर एक कहानी मिलती है। उस कहानी का वर्णन ये है कि ये भगवान शिव स्वयं यहाँ पर पधारे हुए हैं और इसे काशी विश्वनाथ मंदिर का एक अंग माना गया है। वहाँ का एक जो अंग जो यहाँ पर आके बसे हुए हैं, बहुत ही चारों तरफ घना जंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर भगवान शिव की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और ये प्रतिमा पंचमुखी प्रतिमा है। यहाँ के आसपास इस मंदिर के प्रांगण बहुत ही अच्छा प्रांगण है। इस मंदिर के चारों तरफ आपको बहुत ही प्राचीन वृक्ष मिलेंगे, जिसके अंदर बरगद का वृक्ष है, खेजड़ी का वृक्ष है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा शिव का प्रांगण माना गया है और यहाँ पर एक साहूकार जो पुराने समय में जैन मुनि थे, उनके द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और भगवान शिव का जो प्राचीन मंदिर है वो काफी प्राचीन समय से यहाँ पर स्थापित है। इसके पीछे एक किंवदंती यह भी है कि यहाँ पर एक पुजारी हुआ करता था जो भगवान शिव का अभिषेक किया करता था और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। वह बेहद गरीब था, बेहद निर्धन था, तो उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो वो आसपास यहाँ पर दूर जंगलों में किसी प्रकार की कोई बस्ती नहीं थी, इस प्रकार वो भगवान शिव के मंदिर में आके उदास होकर बैठा रहता था और भगवान शिव का अभिषेक करता था। तो लेकिन जब वो भगवान शिव का अभिषेक कर शाम को घर जाता था और जब सुबह प्रातःकाल वापिस पुनः भगवान शिव के शिवालय में आता था, तो उस समय भगवान शिव के ऊपर एक चांदी का सिक्का मिलता था और वो पुजारी, वो ब्राह्मण, वो गरीब ब्राह्मण उस सिक्के को रोज लेता था। इसी प्रकार ये क्रम निरंतर चलता रहा और धीरे धीरे वो गरीब ब्राह्मण धनवान होता गया। तो भगवान शिव अर्थात इस कहानी से और यहाँ की जो लोगों के अनुसार यही कहा गया कि यहाँ जो भी आगे भगवान के समक्ष अपना दुख दर्द अपना बांटेगा, तो उसके भगवान हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और यहाँ पर हर समस्या का समाधान मिल सकता है। भगवान शिव बहुत बहुत नमस्कार, नमः शिवाय। थोड़ा सा लास्ट वाला कटा होगा, मेरे को लग रहा है।